अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक हूँ। तो आज ये बना रही हूँ मैं चिकन शाशलिक की बहुत ही आसान रेसिपी, बिल्कुल सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ। और जैसा कि आपने मेरी अगर पिछली वीडियोस देखी हैं तो मेरी जो रेसिपीज़ होती हैं उनके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो बहुत ही आसान और सिंपल होते हैं। तो जी आपका टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैंने लिया है जी ये कढ़ाई में ऑयल, और उसके बाद मैंने लिया है जी चिकन। अब इसका मुझे क्वांटिटी नहीं पता कि कितने हैं। मैंने जो है वो बोनलेस लिया है, ये मैंने इस तरह ना इसको पीसेस में जो है वो काट लिया है। बहुत पीस आपने जो है छोटे नहीं करने, तकरीबन इतने इतने जो है ना पीस काफ़ी हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने लिया है जी एक अदद शिमला मिर्च, इसको भी मैंने ना इस तरह जो है मोटा मोटा काट लिया है। उसके बाद मैंने लिया है जी लहसुन अदरक का पेस्ट, इसको ये मैंने कूट लिया है। और उसके बाद मैंने लिया है जी एक अदद प्याज, इसको भी मैंने मोटा मोटा काट लिया है। देखें ये मैंने लिए हैं दो अदद टमाटर, इनको भी मैंने इस तरह काट लिया है। और उसके बाद मैंने लिए हैं एक चम्मच सूखा धनिया, एक चम्मच काली मिर्च, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, और एक से मतलब हस्ब ज़ायका आप ले सकते हैं नमक, ठीक है। तो चलें जी चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो जी मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था, इसमें सबसे पहले मैं ऐड करूँगी ये लहसुन अदरक। देखिए जी मैंने इसमें जो है लहसुन अदरक ऐड कर दिया है। अब जब ये ब्राउन हो जाता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। वैसे तो मेरे पास जो है वो ट्राईपॉड स्टैंड है, लेकिन मुझे वो सही तरह से यूज़ करने नहीं आ रहा, या उसकी डायरेक्शन सही तरह से मुझसे जो है ना वो सेट नहीं हो रही। तो उसी वजह से मैं एक हाथ से कुकिंग कर रही हूँ और एक हाथ से जो है मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है। तो खैर है जी, इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को जो है वो ऑन कर दें, ताकि न्यू जो आपके तक वीडियो है वो लाजमी पहुँच सके। तो ये लहसुन का कलर जो है वो हमारा चेंज हो चुका है, अब मैं इसमें चिकन ऐड करती हूँ। सर्दियों में ये जो मिक्स वेजिटेबल्स की रेसिपी होती है ना, ये बहुत अच्छी लगती है। जैसे चिकन सूप हो गया, मिक्स जो है वो वेजिटेबल चावल हो गए, या मैक्रोनी हो गए। इंशाल्लाह जो मेरी नेक्स्ट रेसिपी होगी वो चाइनीज़ चावल की होगी। तो आप लोग बेल नोटिफिकेशन लाजमी ऑन कर दें, ताकि आपको जो है न्यू मेरी रेसिपी भी मिल जाए। अब जो है मैं चिकन को अच्छे तरीके से भूनूंगी उसका कलर चेंज होने तक। कुकिंग की रेसिपीज़ के साथ साथ जी व्लॉग भी देखा करें, जैसे कुकिंग की रेसिपी मज़े की होती हैं, ऐसे जो है मेरे व्लॉग भी बहुत मज़े के होते हैं। तो ये देखें चिकन का जो है वो कलर चेंज हो चुका है। अब हम उसमें ऐड करेंगे प्याज। ये प्याज जो मैंने काट के रखा होता है इसमें ऐड करती हूँ मैं। ये देखिए कि मैंने इसमें ना प्याज ऐड कर दिया, और इसको मैं थोड़ा सा भूनूंगी, और भूनने के बाद मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी। ये टमाटर मैंने काट के रखे होते हैं, यह मैं इसमें ऐड करती हूँ, ठीक है। ये देखिए कि मैंने इसमें टमाटर भी ऐड कर दिए हैं। जैसे जैसे प्याज होगा साथ टमाटर भी हो जाएंगे, और ये अच्छे तरीके से जो है वो गल जाएंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो इसमें मैं ऐड करूँगी जी ये शिमला मिर्च। ये देखिए मैंने शिमला मिर्च भी ऐड कर दिया। अब ये सब चीज़ें ऐड होने के बाद हम इसको हल्की आंच पे जो है वो पकने के लिए रख देंगे, ताकि ये जो सारी सब्जियां हैं और ये चिकन भी जो है ये गल जाए, ठीक है। पानी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि जो है ना ये टमाटर के पानी में जो है ये गल जाएगा। एक चीज़ जो है मैं आपको फर्स्ट बताना भूल गई थी, ये चिली गार्लिक जो है वो कैचअप है, इसकी जगह आप चिली गार्लिक सॉस भी ऐड कर सकते हैं। ये भी हम आखिर में ऐड करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगी किस स्टेप पे ये ऐड करना है, ठीक है। ये देखिए ये टमाटर वगैरह अच्छे तरीके से गल चुके हैं,
हम इसमें जो मसाला जार वगैरह हैं वो ऐड करें। ठीक है, ये चीज़ें मैं ऐड करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, ये नमक मिर्च वगैरह ऐड करने के बाद कितनी प्यारी जो है वो इसकी लुक आई है, आपको दिखाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वीडियोज़ आपके लिए लंबी ना हो, लेकिन कुकिंग आसान चीज़ तो नहीं है, टाइम तो बहुत लगता है, फिर कंप्लीट वीडियो भी ना हो तो भी मसला होता है। लेकिन चिकन ही हमारा जो है वो गल चुका है, ये देखिए। और अब मैं इसमें जो है वो लास्ट चीज़ जो है वो ऐड करूँगी, ये इसको मिक्स करते हैं। तो जी ये है हमारी फाइनल लुक चिकन शाशलिक की। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? मेरा बेटा रो रहा है, ये कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं आपको जो है इंशाल्लाह नई जो मज़ेदार वीडियोस हैं, रेसिपीज हैं सॉरी, वो आप तक पहुँचती रहें। और वीडियोस को लाइक भी कर दीजिए करें, बस हमारी जो मेहनत होती है ना उसकी कीमत वसूल हो जाती है आपके सब्सक्रिप्शन तक।